दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने YouTube चैनल पाथफाइंडर बायोलॉजी क्लासेस पे न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। हम देख रहे हैं कि बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में। 5 मार्क्स का क्वेश्चन BSCB में रहता ही रहता है और इसके बारे में हमको पढ़ना होगा। और अगर आप आगे बायोलॉजी लेना चाहते हैं तो आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, इसका बहुत सारा डिटेल्स में हमको आगे पढ़ना। इसलिए हम न्यूरॉन्स के अभी बेसिक बिल के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है न्यूरॉन, कैसे वर्क करता है, कैसे इसका इंपल्स ट्रांसमिशन होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्या है न्यूरॉन्स। अब पहले हम देखते हैं न्यूरॉन्स होता क्या है। व्हाट इज न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स आर द नर्व सेल दैट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द न्यूरॉन सिस्टम। ये क्या है न्यूरॉन सिस्टम, नर्वस सिस्टम का क्या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। यानी जब हम किसी कोई घर बनाते हैं तो उसका सबसे सूक्ष्म क्या रूप होता है, ईंट होता है। और ये ईंट एक एक जोड़ के हम क्या होते हैं, पूरा घर बना लेते हैं। इसी तरह से नर्वस सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारा न्यूरॉन्स आपस में कंबाइन करके क्या होता है, एक नर्वस सिस्टम का निर्माण करता है। और इसी नर्वस सिस्टम के एक यूनिट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं आज, क्या वो न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स आर द नर्व सेल दैट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द नर्वस सिस्टम। यह क्या है, नर्वस सिस्टम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। नर्व सेल्स आर द स्पेशलाइज टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन थ्रू द बॉडी। यह नर्व सेल करता क्या है, यह क्या करता है, स्पेशलाइज टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को लेके एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में क्या करता है, ट्रांसफर करता है थ्रू द नर्व न्यूरॉन्स। और नोट, एक स्पेशल नोट है इसके बारे में, इट्स कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन विद केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स। ये क्या करता है, केमिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों फॉर्म में क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। लेकिन इसका मोस्टली होता है वह क्या होता है, इलेक्ट्रिकल होता है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, न्यूरॉन्स क्या है, कैसे फंक्शन करता है, हम जान लिए न्यूरॉन्स क्या होता है, ये क्या होता है, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नर्वस सिस्टम का है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कैसे वर्क करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, कैसे फंक्शन ये करता है, कैसे कम्युनिकेट करता है एक सेल से दूसरे सेल्स में, नर्वस सेल्स में, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या है न्यूरॉन्स है, ये क्या है न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके जो ये जो निकला हुआ है इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं इसको, डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये डेंड्राइट्स है और ये होल बॉडी, जो इसको होल बॉडी है इसको बोलते हैं सेल बॉडी। और ये सेल बॉडी के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और इसमें बहुत सारा क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होता है। और ये सेल मॉड्यूल नीचे जाके नैरो हो जाता है और नैरो होकर ये क्या बनता है, एग्जॉन बनाता है। इसको क्या बोलते हैं, एग्जॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्जॉन बोलते हैं। ये एग्जॉन क्या होता है, एग्जॉन के ऊपर क्या होता है, माइलिन शीथ रहता है। एग्जॉन के ऊपर क्या होता है, माइलिन शीथ मौजूद रहता है। और ये माइलिन शीथ को क्या होते हैं, एग्जोलिमा भी हम बोलते हैं। जहाँ पे देखिएगा आप, क्या होता है, एग्जॉन एक निश्चित समय के बाद माइलिन शीथ क्या एब्सेंट होता है। जहाँ पे क्या होता है, जिस जगह पे एग्जॉन के ऊपर माइलिन शीथ एब्सेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, यानी रेनवियर्स नोड। उसको क्या बोलते हैं, रेनवियर्स नोड बोलते हैं, रेनवियर्स नोड बोलते हैं। ये जो एग्जॉन्स है, एग्जॉन क्या होता है, अंदर में साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ रहता है। और ये साइटोप्लाज्म में जो होता है इसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी मौजूद रहते हैं। लेकिन इसमें एक नोट की बात है, क्या है, सेल बॉडी का जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है इसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन इसमें जो होता है एग्जॉन्स का सेल बॉडी जो होता है उसमें क्या होता है, एग्जॉन्स में जो होता है साइटोप्लाज्म उसमें क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे बार बार मेडिकल एग्जाम में, किसी एम्स वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता है, क्या ये जो एग्जॉन होता है एग्जॉन में कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहता है, वह है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हम जानते क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या होता है, नेसेसरी होता है। इसलिए एग्जॉन्स में जो होता है वह प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और अराइज होता है, ये जो माइलिन शीथ है एक निश्चित अंतराल के बाद क्या होता है, ये एब्सेंट क्यों रहता है, यानी ये यहाँ पूरा माइलिन शीथ से कवर है, ये एग्जॉन जो हमारा है वह पूरा माइलिन शीथ के साथ कवर क्यों नहीं रहता है। इसके लिए ये आता है, क्या हम न्यूरॉन जो होता है बहुत ही तेज़ी से क्या करता है, इंपल्स को ट्रांसमिट करता है, इंपल्स को ट्रांसमिट करता है। जहाँ पे माइलिन शीथ मौजूद रहता है वहाँ पे क्या होता है, ये इंपल्स डायरेक्ट आता है। लेकिन जहाँ पे ये एब्सेंट है माइलिन शीथ वहाँ पे क्या होता है, ये पुल करके आता है। ये जैसे यहाँ से डायरेक्ट पुल करके यहाँ आया, यहाँ से पुल करके यहाँ आया, यहाँ से उछल के यहाँ आया, यहाँ से उछल के यहाँ आया। मतलब क्या, नर्व इंपल्स को तेज यानी बहुत गतिशील बनाने के लिए क्या होता है, ये माइलिन शीथ एब्सेंट रहता है बीच बीच में, जिससे क्या हो नर्व इंपल्स तेजी से जाके जा सके।
अब हम जब नर्व इम्पल्स एक्जॉन के लास्ट में क्या होता है, एक नर्व इडेंटिंग होता है जिसे हम सेनेप्टिक नॉब भी बोलते हैं। ये सेनेप्टिक नॉब क्या होता है और क्या इसका फंक्शन है? ये सेनेप्टिक नॉब आखिर में जाके एक ऐसा डायग्राम बनाता है जो ये क्या होता है, दूसरे न्यूरॉन से यानी दूसरा कोई न्यूरॉन्स आता है, जैसे ये न्यूरॉन्स है कोई एक, इस न्यूरॉन्स के ये न्यूरॉन्स है, इसकी न्यूरॉन्स के आके क्या होता है डेंड्राइट से आके क्या होता है अटैच होता है, और इस तरह से क्या होता है ये सारा इनपुट लेके और ये आउटपुट दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसफ़र कर देता है। इस तरह से क्या होता है न्यूरॉन ट्रांसमिशन इम्पल्स का कंडक्शन एक सेल बॉडी से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में होता है। अब इसके हम बारे में पढ़ते हैं थोड़ा थ्योरेटिकली क्या लिखा हुआ है। देखिए स्ट्रक्चरली रूप से हम क्या करते हैं न्यूरॉन्स को मेनली तीन भागों में ही बांटते हैं, लेकिन एक थ्री पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। लेकिन हम एक स्नैपिंग नोब्स के बारे में भी पढ़ेंगे आगे, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़े थे, डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स जो होता है, ये डेंड्राइट्स होता क्या है और ये क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा थ्योरेटिकली नॉलेज लेते हैं। इट इज कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, ये क्या करता है हमारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है अदर नर्व सेल, ये दूसरे नर्व सेल से क्या होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, एंड इट रीड एंड कोड, और इसे क्या करता है रीड का पढ़ता है और उसे कोड करता है, एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन थ्रू द एक्जॉन, और ये क्या करता है ट्रांसफर कर देता है किसको, थ्रू द सेल बॉडी टू द एक्जॉन। इट इज हाईली ब्रांच्ड, ये क्या होता है हम क्या देख ही रहे हैं यहाँ पे, डेंड्राइट्स क्या होता है, डेंड्राइट्स क्या है हाईली ब्रांच्ड है, यानी इसके क्या होता है इसमें बहुत सारा ब्रांचिंग रहता है, और ये क्या करता है ये सिनेप्टिक नोब से कंबाइंड करके क्या करता है नर्व इंपल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करता है। अब दूसरा बात पढ़ते हैं सेल बॉडी, सेल बॉडी क्या होता है। अब देखिए सेल बॉडी हम क्या उसको बोलते हैं, ये जो है पूरा ये पार्ट को हम क्या बोलते हैं सेल बॉडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेल बॉडी बोलते हैं। सेल बॉडी में देखिए क्या क्या है, न्यूक्लियस होता है, इसमें सेल ऑर्गेनल्स मौजूद होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, तो साइटोप्लाज्म कॉन्टेंट किया रहता है, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। द सेल बॉडी कॉन्टेंट्स ए न्यूक्लियस, क्या जानते हैं सेल बॉडी क्या कंटेंट की हो रहता है, न्यूक्लियस कंटेंट की हो रहता है, सराउंडिंग बाय द साइटोप्लाज्म, ये क्या होता है सेल बॉडी कंटेंट की हो रहता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो होता है सराउंडेड होता है किस चीज़ का, साइटोप्लाज्म का, दैट सच ए लाइसोसोम, उसमें क्या होता है लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और गॉल्जी बॉडी होता है, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ईटीसी मौजूद होते हैं। सेल बॉडी का यही फंक्शन, ये क्या करता है सेल बॉडी जो हमारी ये न्यूरॉन्स सारे न्यूरॉन्स को कंट्रोल करके सेल बॉडी रहता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, ये क्या होता है प्रोटीन का संश्लेषण, लिपिड का सिंथेसिस, सारी चीज का संश्लेषण करता है, और पूरे न्यूरॉन सिस्टम पे किसका कंट्रोल होता है, ये सेल बॉडी का कंट्रोल होता है। अब तीसरा हम बात करते हैं थ्री टाइप में एक्जॉन, ये एक्जॉन है, ये क्या है एक्जॉन, इसको हम पूरे पार्ट को बोलते हैं एक्जॉन। अब एक्जॉन के बारे में पढ़ते हैं, ए सिंगल एक्जॉन ऑफ नर्वस प्रोपेगेट ए नर्व इंपल्स, ये क्या करता है सेल बॉडी से क्या करता है नर्व इंपल्स को कनेक्ट करता है और न्यूरॉन प्रोपेगेट करता है नर्व टू आर्स एनोदर न्यूरॉन, और ये क्या करता है दूसरे न्यूरॉन्स को क्या करता है ट्रांसफर करता है, ए मसल फाइबर और ग्लैंड सेल, और ये मसल फाइबर और ग्लैंड सेल से ये क्या करता है कनेक्ट करके ये अदर न्यूरॉन्स ट्रांसफर करता है। एन एक्जॉन इज ए लॉन्ग, ये क्या होता है लॉन्ग होता है, लंबा होता है, थीन होता है, सिलेंड्रिकल होता है, दैट जॉइन द सेल वाली, इट इज ऑल्सो कॉन्टेन ए सेल ऑर्गेनल्स, ये क्या होता है थीन है, पतला होता है, सिलेंड्रिकल होता है लंबाई में, और ये क्या होता है ये से क्या होता है सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये क्या करता है जंपिंग के द्वारा क्या होता है इम्पल्स को सिनेप्टिक नोब तक ट्रांसफर करता है। अब हम तो पढ़ते हैं, देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसमें एब्सेंट रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या होता है एक्जॉन्स में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है, और हम जानते हैं क्या है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम पढ़ते हैं लास्ट इसका, और लास्ट क्या होता है सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब होता क्या है, इट इज़ ए लास्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन, ये क्या है न्यूरॉन का सबसे नीचे का पार्ट होता है, इट इज़ ट्रांसफर द इम्पल्स वन नर्व सेल टू अदर, ये क्या होता है वन नर्व सेल से अनदर नर्व सेल में क्या होता है ये ट्रांसफर करता है, ये आउटपुट का काम करता है, यानी आप इससे क्या होता है सारा इन्वर्स लेके और ये इससे क्या होता है सारा कलेक्ट करके ये ट्रांसफर कर देता है दूसरे सेलों में। इट जॉइन अदर न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स, और ये जब क्या होता है जब दो नर्व सेल आपस में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं उसको बोलते हैं साइनेप्सिस, यानी सिनेप्टिक नोब दूसरे डेंड्राइट से जब कंबाइन करता है तो उस मोमेंट को बोलते हैं साइनेप्सिस। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नर्व इंपल्स जो होता है उसका क्या स्पीड है, कितने देरों में कितने सेकंड में वो कितना किलोमीटर यानी कितना मीटर वो ट्रांसफर कर सकता है। नर्व इंपल्स ट्रेवल स्पीड रेंजिंग फ्रॉम 0.5 टू 130 मीटर पर सेकंड, यानी ये एक सेकंड में होता है 130 मीटर जा सकता है मैक्सिमम, और कम से कम 0.5।
इस तरह से हम देख रहे हैं कि नर्व इम्पल्स कैसे वर्क करता है और इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ की ज़रूरत हो तो हम इसको लिंक में डाल देंगे। और इसका क्वेश्चन 5 मार्क्स का बोर्ड में आता ही आता है 10th बोर्ड में, इसलिए आप लोग अच्छे से इसका पढ़ेंगे। थैंक यू।